मुझे तो बस आप मेरे पास चाहिए। लो, तुमने मांगा और मिल गया। लेकिन अबीर, आप इस वक्त यहाँ कैसे? आना पड़ा भूत चतुर्दशी की रस्म पूरी करने के लिए, जो जोड़े में होती है, अकेले में नहीं। चले। नीरजा, आज अबीर अपनी माँ से तुम्हारे रिश्ते की बात करने वाले हैं। इसका मतलब तो समझती है ना? इसका मतलब है कि बाड़ी में पहली बार सचमुच किसी की डोली उठेगी। मैं बहुत 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 ज़्यादा खुश हूँ। वही कलर्स चैनल पर आ रहे सीरियल नीरजा के आने वाले एपिसोड में दीदून की होने वाली है एक बार फिर से वापसी। उड़ने वाले हैं सभी के होश। वेल हाय गाइस, मैं हूं जानवी, वेलकम करती हूं आपका चैनल की तरफ से। बात हो रही है दरअसल कलर्स चैनल पर आ रहे सीरियल नीरजा की, जिसके आने वाले एपिसोड में आपको देखने को मिलने वाला है बड़ा ट्विस्ट। ट्विस्ट ये ही देखने को मिलने वाला है कि जो नीरजा है वो प्रतिमा के साथ सोना कांची वापस आ जाती है। जो प्रतिमा है वो काफी समय से जेल में सफर कर रही थी, लेकिन नीरजा और अबीर ने मिलकर नीरजा को तो बाहर निकाला ही, साथ ही साथ प्रतिमा को भी जेल से बाहर निकाल दिया। अंदर गई तो कौन गई? गई दीदून, क्योंकि दीदून जो थी वही सारे फसाद की जड़ थी। अब दीदून को तो पुलिस पकड़कर ले जाती है, लेकिन यहां पर खेल खत्म नहीं होता। जहां पर नीरजा, प्रतिमा, बाकी जो सोना कांची के लोग हैं वो दिवाली को इस तरह से मना रहे हैं जैसे कि उनका ये पहला खुशी का त्योहार हो, वही जाहिर सी बात है दीदून जैसी औरत अगर सब पर डेरा डालकर बैठी हो तो यहां पर तो मुश्किल है। अब दीदून नहीं है तो बहुत अच्छे से दिवाली मनाई जाती है, दिवाली भी मनाई जा रही है, अबीर भी दिवाली का हिस्सा बनता है, नीरजा का साथ देता है, नीरजा को यकीन दिलाता है कि बहुत जल्द हमारी शादी होगी और तुम मिसेज अबीर बनोगी। तो वहीं पर दूसरी ओर हम देखते हैं कि अबीर तो चला जाता है लेकिन दीदून की एंट्री हो जाती है। यानी कि ये जो सारी खुशियां हैं ये सिर्फ पल भर की थी सोना कांची में, अब वही दीदून का राज चलने वाला है। कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय बताइए और कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब।